गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज संस्कृत में परिशिष्ट थ्री शब्द रूप धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट दिया यहाँ पर शब्द रूप, बालक का अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो इसका वीडियो बच्चों में ऐसे अकारांत इकारांत है ना, इसके बारे में क्या है आप लोगों को पहले ही ग्रामर में वीडियो सेंड कर दिया हूँ, लेकिन रिवाइज के रूप में इसको और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए इसको समझने के लिए आप लोग ग्रामर में जो भेजा हूँ उस वीडियो को और देखिएगा, ठीक है। प्रथमा, बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, बालकम बालकौ बालकान, तृतीया बालकेन बालकाभ्याम बालकै, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, पंचमी बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, षष्ठी क्या हो जाएगा, बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयो बालकेषु, संबोधन हे बालक हे बालको हे बालका। तो ये क्या किसका शब्द रूप है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें बालक के अलावा आप जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उस सभी इसी फार्मूला से आप लिख सकते हो, जैसे रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्यम रामैः, रामाय रामाभ्यम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामानां, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे राम हे रामो हे राम, इस प्रकार से। और जितने भी अकारांत शब्द समझ में आ गए ना, जिसका लास्ट एंडिंग वर्ड किससे हो, एंड अ से हो, उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं। और यदि वो पुल्लिंग शब्द का द्योतक है पुल्लिंग, तो उसे क्या कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। और यदि अ लास्ट एंडिंग वर्ड हो किंतु शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द हो, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिया हुआ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि इसका लास्ट एंडिंग वर्ड क्या है, रमा, तो मा में किसका मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, तो इसलिए अकारांत शब्द हो गया है, रमा है तो ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका शब्द रूप कैसे है देख लेते हैं, प्रथमा विभक्ति में रमा रमे रमा, द्वितीय रमाम रमे रमा, तृतीय रम्या रमाभ्याम रमाभी, चतुर्थी रामायै रमाभ्याम रमाभ्यः, पंचमी रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, षष्ठी रमायाः रमियो रमाणाम, सप्तमी रमायाम रमियो रमासु, संबोधन हे रमे हे रमे हे रमाः। इसी प्रकार से अन्य जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का आप शब्द रूप लिख सकते हैं। पुस्तक में अकारांत नपुंसक लिंग शब्द दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का शब्द रूप कैसे लिखते हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसका प्रथमा और द्वितीय क्या है, सेम है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै है, अदर जो है किसके समान है, पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के समान है, कौन अकारांत इस जो नपुंसक लिंग शब्द है। चतुर्थी क्या हो जाएगा, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द क्या लिख इसी फॉर्मेट में लिखे थे ना, जैसे बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, उसी प्रकार पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। मुनि, तो इसमें इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका शब्द रूप कैसे बनेगा देख लेते हैं। मुनि मुनि मुनियः, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्या मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुने मुन्यो मुनीनां, मुनौ मुन्यो मुनीषु, हे मुने हे मुनि हे मुनियः। तो बच्चों ये शब्द रूप है, इसे तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या जो मैं ट्रिक बताया हूँ और पिछले वाला वीडियो में, उस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसको तो शब्द रूप को याद करना ही पड़ता है, ये फार्मूला है। हाँ, इसके आधार पर अन्य जो जितने भी और अन्य शब्द रूप है, जैसे इकारांत पुल्लिंग शब्द में और इसी प्रकार से मुनि है कवि है, तो उसका शब्द रूप आप इसी पैटर्न से लिख सकते हो। नेक्स्ट यह है सर्वनाम, सर्वनाम शब्द तत् वह पुल्लिंग का शब्द रूप देख लेते हैं। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। उसी प्रकार से तत् वह का स्त्रीलिंग, वह जो स्त्रीलिंग शब्द का क्या हो जाएगा, सह क्या होता है, पुल्लिंग के लिए यूज होता है, और सा किसके लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। जैसे सह बालकः कह सकते हैं, हाँ ना कहते हैं, और जैसे स्त्रीलिंग है वह बालिका, तो क्या बोलेंगे, सा बालिका। ओके बच्चों, तो सा ते ताह, इसका प्रथम विभक्ति हो जाएगा एक वचन में, सा द्विवचन में ते, और ता बहुवचन में, तो सा मीन्स वह, एक लड़की के लिए या एक
फेमिनाइन जेंडर में जो स्त्रीलिंग शब्द के लिए संबोधन हो जाएगा, ते मीन्स वे दोनों, और ता मीन्स वे सब स्त्रीलिंग शब्द के लिए। ताम द्वितीय विभक्ति है, ताम ते ताह। तृतीय में तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्याः ताभ्याम ताभ्य तस्याः तयो तासाम तस्याम तयो तासु। तत्व नपुंसक लिंग शब्द के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, तत्ते तानि तत्ते तानि शेष रूप पुरलिंग के समान होंगे। जैसे पुरलिंग शब्द का आप जो तत्व पुरलिंग शब्द में भी जस्ट पढ़े हो उसी के अनुसार से क्या होगा, इसका अगला जो तृतीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक एज इट इज होगा। नपुंसक लिंग शब्द का किसके समान, तत्व पुरलिंग के समान। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं किम क्या कौन, प्रश्न करने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग वह क्या है, जो सर्वनाम शब्द है वह किसका रूप क्या देखेंगे, उसका पुरलिंग शब्द रूप क्या क्या होते हैं उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो किम क्या, किम मीन्स क्या होता है, क्या और कौन, तो इसका प्रथम विभक्ति क्या हो जाएगा, कह एक के लिए, द्विवचन के लिए कौ और बहुवचन के लिए के, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम के, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केषाम, कस्मिन् कयो केषु। इसका जो है और विथ एग्जांपल आपको समझना है तो इसका वीडियो में आप लोगों को क्या किया हूँ, इस प्रकार से जो कुछ धातु रूप शब्द है उसका जो है विथ एग्जांपल में आप लोगों को आप लोगों के लिए वीडियो अलग से बनाया है, उसको वाच करिएगा, ठीक है। किम क्या कौन स्त्रीलिंग है तो इसका भी देख लेते हैं, का ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, का, द्विवचन के लिए के और बहुवचन के लिए का, ठीक है। काम द्वितीय क्या हो जाएगा, काम के का, तृतीय कया काभ्याम का भी, चतुर्थी कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। नपुंसक लिंग शब्द किम क्या, प्रथमा विभक्ति किम के कानी, द्वितीय विभक्ति भी वही सेम रहेगा किम के कानी, अदर जो है तृतीय से लेकर सप्तमी तक शेष रूप किसके समान होंगे, पुरलिंग के समान होंगे जब भी जस्ट पढ़े हैं। अस्मत मैं का जो शब्द रूप है कैसे बनेगा, प्रथम में अहम आवाम वयम, अहम मीन्स क्या होता है, मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, माम आवाम अस्मान, तृतीय में मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आवयो अस्माकम, एवं सप्तमी मई आवयो अस्मासु। युष्मत तुम का, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत्, तव यूयो युष्माकम, त्वयु यूयो युष्मासु। इस प्रकार से ये आप लोगों का शब्द रूप हो गया बच्चों। तो इसी पैटर्न से आप लोगों को शब्द रूप याद करना है, और धातु रूप है तो धातु रूप को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।